हालांकि कुछ जगहों पे पुरानी स्पीड लिमिट होती है, रोड अच्छे हो जाते हैं, लेकिन गॉड ओ गॉड दिस R15 गाय। अब इसको ही देख लो, ये अचानक से ऐसे गया उड़ता हुआ। So in today's video I'm gonna talk about how fast you should ride। आपको अपनी बाइक या कार कितनी तेज चलानी चाहिए, क्या कुछ स्पीड लिमिट रखनी चाहिए, कितना फास्ट आप जा सकते हो किसी पर्टिकुलर रोड पे। यू नो लोग क्या करते हैं कि नए नए जब बाइक या कार लोग सीखते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं कि वो स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा फास्ट राइड करना। यू नो डोपामिन एंड ऑल, मजा आता है लोगों को इतना। सो इट्स कूल बट इट्स नॉट कूल। सो देयर आर टू साइड्स ऑफ दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर बोथ द रोड्स। Most of the Indian roads are, you know, agar in up within a street ho, in city ho, the most of the Indian roads are follow like 40, 60, 80. 80 is the maximum speed you can do in the city streets. So aapki top speed depend karni chahiye on the road you are riding. Har road pe mention hota hai ki aapko kitna speed top speed tak aap ja sakte ho. Jo authorities us road pe speed limit lagati hain, wo sari cheezein check karke hi lagati hain. Like yahan ki locality kaisi hai, kahan se कुछ आ तो नहीं सकता अचानक से, रोड कैसा है, रोड कंडीशंस। हालांकि कुछ जगहों पे पुरानी स्पीड लिमिट होती है, रोड अच्छे हो जाते हैं, लेकिन गॉड ओ गॉड दिस R15 गाय। अब इसको ही देख लो, ये अचानक से ऐसे गया उड़ता हुआ। इट्स कूल फॉर हिम बट इट्स नॉट कूल फॉर द अदर्स। अभी वो किसी से मेरे से या किसी और से टच हो जाता, कहीं लग जाता, उसकी तो लगती, ऊपर से जो आराम से चल रहा था उसकी भी लगती। भाई साहब उसकी क्या गलती थी। सो दैट्स इट। इस रोड पे आई थिंक 40 से मैक्स ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट द रोड। अगर आप 40 की स्पीड लिमिट है रोड पे या 60 की, और आप खींच रहे हो अपने गाड़ी या बाइक को 80-90, क्योंकि आपको दिख रहा है खाली, हाँ वो खाली है, आप खींच रहे हो, लेकिन अचानक से कुछ आ गया उस रोड पे, तो आप आई डोंट थिंक इतनी जल्दी कंट्रोल कर पाओगे। कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो आपको पता ही है क्या हो रहा था। यू कैन टॉक अबाउट द यमुना एक्सप्रेसवे। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको मैक्सिमम अलाउ टॉप स्पीड है वो है 100। आप यमुना एक्सप्रेसवे पे 100 चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। 100 वहाँ पे ठीक भी है, कोई वहाँ पे बीच में ऐसा कुछ रोड पे आ नहीं सकता, दोनों साइड से क्लोज रोड है। व्हाट डू यू थिंक इसकी स्पीड कितनी होती होगी, कि जो जेसीबी है, क्रेन है, व्हाटएवर इट इज। वी कैन टॉक अबाउट द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे व्हिच इज द न्यू एक्सप्रेसवे। उस पे गवर्नमेंट लिमिट सेट कर रखी है 120। मैं गया था रिसेंटली, आप मेरी जयपुर वाली ट्रिप वीडियो में देख सकते हो, काफी बढ़िया हाईवे है। 120 इज गुड, मोर देन गुड इनफ फॉर इंडियन हाईवे मैन। हालांकि उस हाईवे पे आप चला सकते हो 130, 140, 150 तक, थोड़े से एक्सपेरिमेंटली अगर आपको चेक कर रहे हैं आपकी बाइक या कार की क्या कैपेबिलिटी है इसके लिए। लेकिन वो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज इलीगल, आई एम नॉट सजेस्टिंग इट, बट स्टिल 120 की वहाँ पे है स्पीड लिमिट गवर्नमेंट ने दे रखी है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ एंजॉय कर सकते हो हाई स्पीड। अगर आपको ज्यादा खुजली है फास्ट बाइक चलाने का, फास्ट कुछ करने का, तो भाई उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा जर्मनी। डू यू नो जर्मनी में एक हाईवे है जिसका नाम ऑटोबहन है, और वहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं है। इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन उस रोड पर, लोग उस पर 250-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाते हैं, जिनकी ऑफकोर्स गाड़ियाँ कैपेबल होती है, बाइक कैपेबल होती है। अगर आप वहाँ 200 जा रहे हो तो ऐसा बंदा आएगा जो 250 जा रहा होगा, जो 300 जा रहा होगा, मतलब नो फकिंग स्पीड लिमिट। तो उस तरह के हाईवे भी इंडिया में पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल होते भी हैं तो लोग उसका भी मिसयूज करेंगे। आई डोंट नो हाउ बट करेंगे, आई एम डैम श्योर फकिंग श्योर। सेकेंड थिंग, आपकी टॉप स्पीड डिपेंड करती है आपकी बाइक पर। अगर आप 60-70-80 स्प्लेंडर पे करोगे, आपकी बाइक पूरी हिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बाइक और रोड का कनेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बाइक वाइब्रेट मारेगी पूरी। अगर वहाँ पे कुछ आ जाता है सडनली, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे सडन ब्रेकिंग, और सडन ब्रेकिंग के नाम पे वहाँ पे उस बाइक में कोई डिस्क ब्रेक या ABS ऐसा कोई सेफ्टी फीचर्स तो है नहीं, आपकी बाइक स्लिप हो जाएगी। और अगर वही चीज आप ये पल्सर पे करते हो, मान लो पल्सर पे आप करते हो 70-80, तो आपको 70-80 आप यू कर लोगे आराम से, क्योंकि इस बाइक में वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, और ब्रेकिंग थोड़ा उससे बेटर है, टायर थोड़े वाइड है। आपकी बाइक क्या ऑफर कर रही है, कितनी ग्रिप है टायर में, कितना वेट है बाइक में, कितना आपका ट्रैक्शन है, रोड कितना बम्पी है, ब्रेकिंग कैसी है, उस हिसाब से आप 80 कर रहे हो पल्सर पे तो आराम से रोक सकते हो। अगर कोई अचानक से इसमें आ गया तो भाई देखो, फिर तो कोई भी बाइक नहीं आपको बजा सकती। और वहीं पे आप कोई और बड़ी बाइक चला रहे हो और अच्छी ब्रेकिंग की बाइक चला रहे हो। तो यही है कि आपकी टॉप स्पीड डिपेंड करती है आपकी बाइक की कैपेबिलिटी के ऊपर। टॉप
स्पीड कर लो, लेकिन अगर बाइक आपकी रुकेगी नहीं टाइम से तो आप स्टॉप स्पीड का करोगे। मेन चीज क्या है आपकी बाइक में जो रोड से टच हो रही है वो है टायर्स, आर द मोस्ट फकिंग इंपॉर्टेंट थिंग इन द बाइक और इन अ कार, बिकॉज यही चीज है जो आपकी मेन रोड से टच हो रही है, ग्राउंड और आप में बस इसी चीज का फासला है एक टायर्स का। टायर्स पे हम किसी और दिन बात करेंगे, टायर का भी एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। एंड द थर्ड थिंग विल बी आपकी बाइक किस कौन से जनर की है, किस तरह की बाइक है। यू नो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ बाइक्स लाइक स्पोर्ट्स बाइक, नेकेड बाइक, क्रूजर बाइक, कैफे रेसर। सो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ब्रेकिंग होती है आई थिंक स्पोर्ट्स बाइक की, बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक से ही आप एक्सपेक्ट करोगे हार्ड कॉर्नरिंग, टॉप स्पीडिंग एंड ऑल, बिकॉज क्रूजर बाइक आर नॉट फॉर स्पीडिंग एंड ऑल, इट्स अबाउट क्रूजिंग। एंड द नेकेड बाइक यू कांट डू शिट ऑन नेकेड बाइक्स, यू कैन डू बट यू मस्ट नॉट डू, बिकॉज विंड ब्लास्ट जो होता है ना बाइक की स्प्लेंडर में हो चुका है पंक्चर। तो नेकेड बाइक में आप क्या करो, फास्ट अगर राइड करोगे तो जो आपको विंड ब्लास्ट लगता है मैन ओ मैन कितना ही बच लोगे। ओ माय गॉड, हाँ जोड़ रहे हैं भाई, हर मालिक मत हटो हमरी बस। नेकेड बाइक्स आर डैम स्केरी एंड डैम टॉकी। फर्क क्या होता है नेकेड बाइक में और स्पोर्ट्स बाइक में, नेकेड बाइक में आपको टॉक ज्यादा मिलेगा और स्पोर्ट्स बाइक में आपको पावर ज्यादा मिलेगी। ये पावर और ये टॉक क्या है, अगर ये आपको डिटेल में जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट दीज टू टॉपिक्स, अबाउट द पावर इंजन टाइप एंड टॉक एंड ऑल। और क्रूजिंग बाइक एवरेज बाइक मिल जाती है इंडियन रूट्स पे, वो है आपकी एवेंजर, द मेन स्ट्रीम बाइक, ड्रम रोल, द रॉयल एनफील्ड्स। ये बाइक्स एग्जांपल हैं टू नॉट डू हाई स्पीड्स ऑन अ बाइक। बाइक टॉकी है बट इफ यू लुक एट देयर टायर्स दे आर नॉट ग्रिपी एट ऑल मैन, एंड द ब्रेकिंग्स दे हैव लाइक एबीएस एंड ऑल, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि रॉयल एनफील्ड्स की ब्रेकिंग क्लासिक या इलेक्ट्रा की या बुलेट जो भी है तो अच्छी ब्रेकिंग होती है, बिकॉज आई रोड दम बाइक। अब का मुझे पता नहीं, मैंने पुराने मॉडल्स चलाए थे तो मैं उनकी तो थी, तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। आपको अपनी औकात के हिसाब से, अपनी बाइक के औकात के हिसाब से, रोड के औकात के हिसाब से आपको नाप तो लगा के तब हाई स्पीड्स करनी चाहिए। आपको अवॉइड दीज फकिंग बैड कटिंग एंड ऑल। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, तब तक के लिए बाय बाय, कैलाश खैर, सब खैर, गुड बाय।